हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इसको लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे एक रिलेशनशिप काउंसलर, लेक्चरर और ऑथर है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं या आप आदमी और औरतों की साइकोलॉजी को करीब से समझना चाहते हैं कि इनमें कैसे और क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। ऑथर कुछ दिन पहले ही पिता बने थे। उनकी वाइफ ने ऑथर के भाई से मेडिसिन लाने को कहा। वो भूल गया और एज अ रिजल्ट वो पूरा दिन रोती रही। जब ऑथर शाम को अपने घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ दर्द में है और उन्हें ब्लेम कर रही है। ऑथर ने अपनी वाइफ से कहा कि उन्हें कॉल क्यों नहीं किया। तब उनकी वाइफ ने कहा, मैंने आपके भाई से 10 मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस लाने को कहा, बट वो भूल गया। ऑथर गुस्सा हुआ कि एक तो उन्होंने ऑथर को बताया नहीं, ऊपर से उन्हें ब्लेम किए जा रही है। दोनों गुस्सा हो गए। जब ऑथर जाने लगे, तब कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उनकी वाइफ बॉबी ने कहा, यहीं रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, यही तो वक्त है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बॉबी ने कहा, जॉन ग्रे तुम एक मतलबी दोस्त हो, तुम तभी मेरे साथ रहते हो जब सब कुछ सही होता है, बट जब कोई प्रॉब्लम होती है तुम दूर चले जाते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। उस मोमेंट में ऑथर को प्यार का मतलब समझ आया। वो कहीं नहीं गए, वहीं रुके। उनको अच्छा फील हुआ, उनको लव्ड फील हुआ। उसके बाद ऑथर ने इसके ऊपर एक रिसर्च की कि क्यों मैन और वुमेन डिफरेंट होते हैं, क्या बात उन दोनों को अलग बनाती है। 7 साल तक रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैन और वुमेन दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए रिलेशनशिप टूटी है। दोस्तों, डिटेल में इस बुक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। Chapter 1, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। यहाँ ऑथर एक स्टोरी बताते हैं। मैन मार्स प्लैनेट पे रहा करते थे और वुमेन वीनस प्लैनेट पर। मैन ने वुमेन को देखा और वुमेन से मिलने के लिए गए। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और वो लोग धरती पर आकर साथ रहने लगे। वो ये भूल गए कि वो एक दूसरे से अलग हैं। उनमें आपस में लड़ाई होने लगी और ये आज तक लड़ रहे हैं। रिमेम्बर योर डिफरेंसेस। बिना ये जाने कि हम एक दूसरे से अलग हैं, हम जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होता। एज अ रिजल्ट हम लड़ते हैं। बट जब आप ये समझ लेते हो कि मैन और वुमेन दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं, इसलिए उनमें डिफरेंस है, तो आप खुशी खुशी रह सकते हैं। Your intentions are not enough. प्यार का एहसास हमेशा खूबसूरत होता है। हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट ये मैजिक धीरे धीरे कम होता चला जाता है और हम अपने पार्टनर के फ्लॉज देखने लगते हैं। मैन चाहते हैं कि वुमेन उनके हिसाब से सोचे और वुमेन चाहते हैं कि मैन उनके अकॉर्डिंग सोचे। उनको ये एहसास नहीं होता कि दोनों अलग अलग होते हैं, और कई बार ये सिचुएशन डिवोर्स में भी बदल जाती है। फिर वो खुद से पूछते हैं, ये कैसे हो गया और ये क्यों हो गया, हमारे इरादे तो कभी गलत नहीं थे। सो यही पॉइंट है, चाहे हमारे इंटेंशंस गलत नहीं हो, फिर भी हम अपनी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर लेते हैं। Chapter 2, मिस्टर फिक्सिट एंड मिसेज होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। वुमेन कई बार शिकायत करती हैं कि मैन उनको प्रॉपरली सुनते नहीं हैं। जब वो उन्हें कोई प्रॉब्लम बताती हैं, कुछ देर तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन बताने लगते हैं या फिर ये कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, जबकि वुमेन चाहती हैं कि मैन सिर्फ सुने, ना कि सॉल्यूशन बताएं। दूसरी तरफ आदमी अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। वो किसी और के सामने अपनी प्रॉब्लम्स दिखाना पसंद नहीं करते हैं, जब तक ये बहुत जरूरी ना हो जाए। और वो सोचते हैं कि किसी और को क्यों अपनी प्रॉब्लम बताई जाए, जब आप खुद उसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ ऑन मार्स। मार्स प्लैनेट पर मैन ने इम्पोर्टेंस दी पावर को, वर्क एथिक्स को, अचीवमेंट को। इनको इंटरेस्ट था आउटडोर एक्टिविटीज में। उनको नॉवल और बुक पढ़ना पसंद नहीं था। उनको लोगों और फीलिंग से ज्यादा चीजों से लगाव था। कोई गोल अचीव करना उनकी पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। वो अपने अचीवमेंट पर प्राउड फील करना चाहते थे। एज अ रिजल्ट उनको लगने लगा कि वो एक्सपर्ट हैं। और वुमेन उन्हें जब अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, वो सॉल्यूशन बताने लगते हैं। और जब वुमेन सेटिस्फाइड नहीं होती, आदमी समझ नहीं पाते कि कहां दिक्कत हुई है। लाइफ ऑन वीनस। दूसरी तरफ वीनस पर लाइफ काफी अलग थी। वुमेन के लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट था अचीवमेंट के कंपैरिजन में। वो प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी बिल्डिंग और मशीन से भी ऊपर। उनके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट से बढ़कर होती है। उनके लिए खुद को प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए उनके लिए किसी की मदद लेना या किसी की मदद कर देना नॉर्मल बात है, और यही वो करती हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब कोई उन्हें हेल्प करता है, और यही वो मैन के साथ करना चाहती हैं। बट जब मैन को एडवाइस दी जाती है तो उसे लगता है कि वो काबिल नहीं है।
विनस पर एडवाइस देना लव का साइन समझा जाता था, जबकि मार्स के लोग सॉल्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अगर कुछ अच्छा जा रहा होता है वो इसे चेंज नहीं करते हैं। जब वुमेन मेन को चेंज करने की कोशिश करती है, मेन को लगता है कि वो काबिल नहीं है, बिगड़ी हुई है और नखरे हैं, और औरत को इस बात का एहसास नहीं होता कि आदमी ने इस बात को एज एन इंसल्ट ले लिया है। डोंट गिव सजेशंस। सो यहाँ पर वुमेन के लिए एक एडवाइस है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वुमेन मेन को हर्ट कर देती है अनजाने में जब वो उन्हें एडवाइस देती है, ऑल्दो ये उनके प्यार जताने का तरीका होता है, बट अनजाने में वो आदमी को हर्ट कर बैठती है। सो आदमी को तब तक एडवाइस ना दे जब तक बहुत जरूरी ना हो। लर्न टू लिसन। यहाँ पर मेन के लिए भी एक लेसन है कि आप सुनना सीखें। मेन को समझना चाहिए कि जब कोई वुमेन कहती है कि वो वरिड है या कुछ प्रॉब्लम में है, तो एक्चुअली वो चाहती है कि आप उनकी प्रॉब्लम सुने, ना कि सॉल्यूशन बताने लग जाएं। सजेशन ना दें, सिर्फ सुने। चैप्टर 3, मैन गोज टू देयर केव एंड वुमेन स्पीक्स टू मच। मैन और वुमेन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि कैसे वो स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। मैन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेता है और बाकी की दुनिया से खुद को अलग कर लेता है, जबकि वुमेन चाहती है अपनी प्रॉब्लम्स, फियर्स और अपने दुख बताना। मैन चाहता है इसको खुद अकेले सॉल्व करना, जबकि वुमेन सबसे इस बारे में बात करके इससे डील करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड टॉम ऑफिस से घर आता है, वो रेस्ट करना चाहता है और कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता है, सो वो कुछ मैगजीन पढ़ता है क्योंकि वो परेशान है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ मैरी ऑफिस से आती है, वो भी थोड़ा परेशान है, बट वो किसी से बात करना चाहती है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, ये कि उसका दिन कैसा रहा था। टॉम को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है, जबकि मैरी ये सोचती है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये दुविधा समझने के लिए हमें अपोजिट जेंडर को समझना होगा। बिना ये समझे कि मैरी अपने स्ट्रेस कम करने के लिए ज्यादा बोलती है, टॉम यही सोचते रहेंगे कि वो काफी ज्यादा बोलती है और वो उसे इग्नोर कर देता है। बिना इसे समझे कि टॉम रिलैक्स करने के लिए ही मैगजीन पढ़ रहा है, मैरी हमेशा यही सोचती रहेगी वो उसे इग्नोर कर रहा है। फाइंडिंग पीस इन केव। जब एक आदमी स्ट्रेस में होता है वो अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है। इट मींस वो खुद को बाकी लोगों से आइसोलेट करके अपनी प्रॉब्लम सोच विचार में लग जाता है कुछ सॉल्यूशन तलाशने के लिए। इस वक्त वो दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता, बट एक बार जब उसे सॉल्यूशन मिल जाता है वो अपनी गुफा से बाहर आ जाता है और नॉर्मली बिहेव करने लगता है। बट अगर वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, वो वहीं फंस कर रह जाता है और कुछ ऐसा करता है जो उसकी प्रॉब्लम्स भूलने में मदद करे, जैसे कार ड्राइव करना, टीवी देखना एटसेट्रा। व्हाट वुमेन थिंक अबाउट केव। जब आदमी अपनी गुफा में जाता है तब वो अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे पाता, जिससे उसकी पार्टनर परेशान हो जाती है। अब जब वो बात करना चाहती है तो किससे करे, उसको ये लगता है कि उसका पार्टनर उसको इग्नोर कर रहा है। अक्सर वुमेन नहीं जानती कि एक आदमी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करता है। वुमेन चाहती है कि उसका पार्टनर खुलकर एक्सप्रेस करे जो वो कहना चाहता है। किसी आदमी से उसकी प्रॉब्लम्स बताए जाने की उम्मीद करना बेकार है, जैसे किसी औरत से उसकी प्रॉब्लम में काम रहने की उम्मीद करना बेकार है। जब आदमी अपनी गुफा में जाता है वो ये भूल जाता है कि उसके फ्रेंड को भी कोई परेशानी हो सकती है। आदमी आम तौर पर ये सोचते हैं कि किसी और को प्लीज करने से पहले खुद पर फोकस करना जरूरी है। लड़ाई करने की बजाय एक औरत को समझना चाहिए कि गुफा में चले जाना आदमी की खुद की चॉइस नहीं होती है, बल्कि उनकी हैबिट है, सो उसकी हेल्प करें, ना कि लड़ाई करें। दूसरी तरफ आदमी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी पार्टनर को इस चीज से कितनी परेशानी हो सकती है। फाइंडिंग पीस इन स्पीकिंग। जब एक वुमेन स्ट्रेस होती है वो ये किसी और को बताने के लिए सोचती है, बट जब वो ये सबको बताती है तो वो ये नहीं देखती कि वो इम्पोर्टेंट बात बता रही है या नहीं। वो सब कुछ बताती है जो कुछ भी उसके माइंड में होता है। उसे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, वो बस रिलैक्स फील करना चाहती है, ये उसको प्लेजर देता है। जब वो ये देखती है कि उसे समझा जा रहा है, उसको एडमायर किया जा रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। When woman speaks, what men's reactions are? जब वाइफ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, हस्बैंड ऐसा फील करता है कि वो उसको ब्लेम कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। वो जितना ज्यादा सुनता है वो उतना ही ऐसा फील करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि वो उसको ब्लेम नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती है। आदमी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ वुमेन को सुनकर आप उसका मूड बेहतर कर सकते हैं। आदमी सिर्फ दो वजह से बात करते हैं, फर्स्ट जब कोई उन्हें ब्लेम करता है, दूसरा जब कोई उनसे एडवाइस मांगता है। जब उनको लगता है कि कोई उनसे एडवाइस मांग रहा है वो सजेशन देना शुरू कर देते हैं और ये वुमेन को पसंद नहीं आता। और जब वो ऐसा फील करते हैं कि कोई उन्हें ब्लेम कर रहा है तब वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। इन दोनों केस में उनके लिए सुनना मुश्किल हो जाता है, वो क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं और क्लैरिफिकेशन वुमेन को पसंद नहीं होते। वो बस ये चाहती है कि जब वो बोल रही है तो अगला सिर्फ सुने। चैप्टर 4, हाउ टू एनकरेज पार्टनर।
आदमी मोटिवेटेड फील करता है जब वो ये महसूस करता है कि किसी को उसकी जरूरत है, और औरत तब मोटिवेट होती है जब उन्हें ये महसूस होता है कि उसको प्यार किया जा रहा है। जब एक आदमी ये फील करता है कि उसकी वाइफ को उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वर्थलेस फील करता है। जब कोई वुमेन फील करती है कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता, वो मेंटली टूट जाती है। जब एक आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ को उसकी जरूरत है, और जब वाइफ को लगता है उसको प्यार किया जा रहा है, तब ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। When a man loves a woman, अक्सर आदमियों में एक फिलॉसफी होती है जीतने की किसी भी कीमत पर, और रिलेशनशिप में ये फिलॉसफी बहुत नुकसान करती है। अगर कोई आदमी अपनी पार्टनर को सिर्फ अपनी डिजायर पूरी करने के लिए नुकसान पहुंचाता है, तो ये रिलेशनशिप को टूटने की ओर ले जाता है। There is an attraction and difference. कई वुमेन जानती हैं कि किस तरह आदमी को सिग्नल भेजे जाएं। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो अक्सर आदमी से कहा करती है कि वो उसको खुश रखता है, और उसकी ये बातें उसे एनकरेज करती रहती हैं। बट सैडली कुछ वक्त बाद जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, औरत भूल जाती है कि आदमी को अभी भी उन सिग्नल की जरूरत है, और वो सिग्नल अभी भी इम्पोर्टेंट है। Men get inspired from love. जब कोई आदमी किसी औरत से प्यार करता है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी पार्टनर की ऐसे परवाह करते हैं जैसे वो खुद की परवाह करता है। ज्यादातर आदमी प्यार के भूखे होते हैं। जब रिलेशनशिप बिगड़ती है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी दिमाग की गुफा में चले जाते हैं। वो अपने पार्टनर की परवाह करना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि उसकी पार्टनर को उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी वुमेन मिल जाए जो उसको एहसास दिला सके कि उसको जरूरत है उसकी, वो अपनी केव से बाहर आ जाएगा। When a woman loves a man, वुमेन भी प्यार की भूखी होती हैं। वो चाहती हैं कि कोई ऐसा हो जो उनकी केयर करे। अक्सर आदमी को इस बात का एहसास नहीं होता। जब वुमेन को लगता है कि उनको प्यार किया जाता है, उन्हें समझा जाता है, वो खुश होती हैं। जब वुमेन उदास होती है, परेशान होती है, उनको कोई ऐसा चाहिए होता है जो उन्हें समझ सके। जब कोई आदमी सिंपैथी दिखाता है और उसे समझता है, औरत का मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बट आदमी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि वुमेन भी उनके जैसी ही होती होगी। वो केव में जाना पसंद करते हैं, तो शायद वुमेन भी यही पसंद करती होगी, और यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वुमेन रिलैक्स फील करती है जब वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करती है। उनको बस कोई ऐसा चाहिए जो उनको सुन सके। एवरीबडी विल गेट टायर्ड व्हेन टेस्टेड टू मच। ज्यादातर वुमेन गिवर्स होती हैं, वो देने में यकीन रखती हैं। वो अपने लव्ड वंस को सब कुछ देती हैं जो उससे हो सकता है। बट एज अ मैन हमें ये समझना होगा कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वुमेन सेक्रीफाइसेस के लिए जानी जाती हैं, बट उनकी कुछ लिमिट्स तो होती ही हैं। उनको भी वक्त चाहिए ताकि वो अपने खुद के ऊपर ध्यान दे सके। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सके, ना कि ऐसा आदमी जिसे उनको इमोशनली सपोर्ट करना पड़े। लर्न टू गेट। वुमेन ज्यादा पाने के ख्याल से डर जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि जितना उन्हें मिला हुआ है उतना काफी है, जरूर वो इसी की हकदार थी, क्योंकि उन्हें इसी तरह बड़ा किया गया है। क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो ज्यादा की डिमांड करेंगी तो हस्बैंड उसको छोड़ देगा। बट अंदर ही अंदर वो ये भी जानती हैं कि उसको ज्यादा की जरूरत तो है। अगर वो ये कहने की हिम्मत जुटा सके तो ये एक रिलेशनशिप को भी बचा सकता है। जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा है, तो वो पोलाइटली उनसे ये कह सकती है कि आप चिल्लाना बंद करें, मुझे ये पसंद नहीं है। इससे हस्बैंड को ये समझने में मदद मिलेगी कि उसकी वाइफ की जरूरतें क्या हैं, ताकि वो आगे से उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। चैप्टर 5, बोथ स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मैन एंड वुमेन जब एक ही शब्द बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मतलब एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, जब एक वुमेन कहती है आप मेरी कभी नहीं सुनते हो, तो एक्चुअली में वो ये कहना चाहती है कि तुम कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। बट आदमी इन बातों को इस तरह से लेता है जिस तरह से ये कही गई थी। वुमेन ऐसे ही कई वर्ड्स का यूज करती हैं अपने आप को सही से एक्सप्रेस करने के लिए, बट आदमी इन बातों को वैसे ही ले लेता है जैसे वो कही गई है। When men don't speak much, जब आदमी ज्यादा नहीं बोलते तो औरतों के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। वो इस चुप्पी को नेगेटिव वे में लेती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि मेन एंड वुमेन दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वुमेन बोलने के साथ सोचती हैं, जबकि आदमी पहले सोचता है फिर बोलता है। जब कोई आदमी साइलेंट बैठा है तो वुमेन को ये समझना चाहिए कि वो कुछ सोच रहा है। How women reacts on men's silence. जब कोई आदमी साइलेंट होता है तो औरत सोचती है वो शायद मुझसे नफरत करता है और वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। वुमेन दो कंडीशन में साइलेंट होती है, या तो वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, या फिर वो सामने वाले पर भरोसा नहीं करती। और जब आदमी साइलेंट होता है तो वो इस पर्सपेक्टिव से सोचती हैं। बट आदमियों की केव के रहस्य के बारे में जानकर उसके लिए आदमी को समझना आसान हो जाएगा।
अंडरस्टैंड द केव। वुमेन को ये समझना चाहिए कि जब एक आदमी स्ट्रेस्ड होता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ देर अकेला रहकर वो खुद को शांत कर लेना चाहता है, वो खुद का इंस्पेक्शन करना चाहता है। यूजुअली आदमी ऐसा तब करता है जब वो किसी रिलेशनशिप में होता है, तो वो खुद को सबसे अलग कर लेता है और अपनी गुफा में चला जाता है। उसके अंदर किसी को भी आने की परमिट नहीं होती, उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं। आदमी ऐसा ही होता है, एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता है, आदमी खुद से ही गुफा से बाहर आ जाता है। बट ये बात समझना औरत के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो ये मानती है कि अगर कोई परेशान है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा वो ये सोचती है अगर वो आदमी से खूब सारे क्वेश्चन करेगी और फिर वो जो बोलता है उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से वुमन का मूड तो ठीक होता ही है। What to do when men goes to the cave? क्या किया जाए जब आदमी गुफा के अंदर चला जाए? इस बात से निराश ना हो कि वो अपनी गुफा में चला गया है, उसको एडवाइस देने की कोशिश ना करे, ये कंडीशन को और बुरा बना देगा। ये ना पूछे कि वो कैसा फील कर रहा है, उसका गुफा से बाहर निकल जाने का इंतजार ना करे, उसके बारे में चिंता ना करे, ना ही दुखी हो। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जैसे किसी फ्रेंड से बात कर लें या टीवी देख लें। चैप्टर 6, मैन आर लाइक रबर बैंड। मैन रबर की तरह होते हैं, वो आपसे दूर जाते हैं जितना ज्यादा वो जा सकते हैं, फिर वो वापस आपके पास आ जाते हैं। मैन वुमेन की तरह नहीं होते, वुमेन दूर जाती है जब वो चीटेड फील करती है, बट मैन अक्सर दूर चले जाते हैं वुमेन की कोई गलती ना होते हुए भी। वो ऐसा करते हैं इमोशनल फ्रीडम के लिए, बट एक बार जब वो दूर चले जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना मैटर करता है और वो वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक लड़की मैगी और उसके बॉयफ्रेंड जेफ का। ये दोनों एक दूसरे को पिछले 6 महीने से डेट कर रहे थे, बट सडनली जेफ इमोशनली मैगी से दूर जाने लगा। वो समझ नहीं पाया कि क्या गलत हुआ, उसने सोचा कि शायद उसने कोई मिस्टेक की है, सो उसने जेफ को फॉलो किया, बट वो जितना फॉलो करती जेफ उतना ही दूर जाता। कुछ सेमिनार अटेंड करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल इशू क्या है। उसने रियलाइज किया कि जितना ज्यादा वो जेफ को चेस करेगी उतना ज्यादा वो जेफ के दूर जाएगी। उसने उसे चेस करना बंद किया और एज अ रिजल्ट वो खुद मैगी के पास आ गया। जब कोई आदमी वुमेन से दूर जाता है वो और भी ज्यादा एनर्जी के साथ वापस आता है। वुमेन को ये जानना चाहिए कि उसका दूर जाना जरूरी है पहले से भी ज्यादा करीब आने के लिए। Why men goes away? आदमी दूर जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप उससे उसकी फ्रीडम छीन रही है। कुछ मैन ये कहते हुए नहीं पाए जाते, मुझे स्पेस चाहिए, कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। चाहे जो हो, आदमी को दूर जाना जरूरी हो जाता है रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा करके उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट फील होता है। Why women get scared? Women ये सोचने लग जाती है कि शायद उससे ही कोई भूल हुई है, कि आदमी उसे छोड़कर चला गया है। उसे ये डर रहता है कि शायद वो अब कभी लौट कर नहीं आए। अलावा इसके उसको ये भी पता नहीं होता कि वो दूर गया क्यों है, इसलिए वो उसे वापस लाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अगर वो ये समझ ले कि आदमी दूर क्यों जाता है, ये कि आदमी रबर बैंड की तरह होते हैं, उसकी लाइफ फिर से बेहतर हो सकती है। चैप्टर 7, वुमेन आर लाइक वेव्स। वुमेन लहरों की तरह होती है, उनका मूड किसी भी वक्त बदल सकता है, कभी बिल्कुल नीचे कभी बिल्कुल टॉप पर। जब वो लो फील करती है जैसे किसी गहरे कुएं में चली गई हो, बट जब वो बाहर आ जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब किसी औरत का मूड खराब हो तो आदमी को चाहिए कि वो उसे इमोशनली सपोर्ट करे और उसे समझे। व्हाट मैन थिंक्स अबाउट दीज वेव्स। जब एक आदमी किसी औरत से प्यार करता है तो उसे उसका नेचर बहुत लविंग टाइप का लगता है और आदमी सोचता है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, बट इस तरह की एक्सपेक्टेशन ऐसे ही है जैसे मौसम कभी नहीं बदलेगा। आदमियों की तरह ही औरत की भी साइकिल होती है, बस फर्क ये है कि जिस तरह आदमी रबर बैंड की तरह दूर जाकर वापस आ जाते हैं, उसी तरह औरत कुएं के अंदर जाकर वापस बाहर निकल आती है। जब एक वुमेन को सही सपोर्ट नहीं मिले, जब वो दुखी होती है, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगी। जब औरत का मूड ठीक होता है तो वो पानी के गिलास को आधा भरा हुआ देखती है, और जब उसका मूड ठीक नहीं होता है तब वो गिलास को आधा खाली देखती है। वुमेन वेव्स की तरह होती हैं। आदमी किसी औरत को ये जाने बिना कभी खुश नहीं रह सकता। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सब कुछ ठीक है बाहर से, तो फिर उसकी पार्टनर उदास क्यों है? उसे औरत की वेव लाइक टेंडेंसी को समझकर सॉर्ट आउट करने में मदद मिल सकती है। डोंट ट्राई टू फिक्स देम। यहाँ एक एग्जाम्पल है। बिल उसकी वाइफ को समझ नहीं पा रहा था। उसका मूड कुछ वीक्स तक बिल्कुल ठीक रहता है, अचानक से वो उदास हो जाती है और फील करने लगती है कि वो औरों के लिए कितना कुछ करती है और कोई उसकी परवाह नहीं करता।
जब बिल उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है तो झगड़ा और बढ़ जाता है। बिल की सिर्फ ये गलती थी कि वो अपनी वाइफ को कुएं में जाने से रोक रहा था, बट उसको ये करना चाहिए था कि वो अपनी वाइफ को कुएं में जाने दे जब तक वो कुएं के बेस को टच नहीं कर लेती, वो ऊपर नहीं आएगी। सो उसे कुएं में ना जाने की एडवाइस देने के बजाय उसे सिर्फ सुने। व्हाट मेन शुड अंडरस्टैंड, अगर कोई आदमी अपनी पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट कर सकता है तो अच्छा है। ये उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा बट उसे नॉर्मल करने में जरूर हेल्प करेगा। आदमी को ये समझना चाहिए कि इस सिचुएशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपना लव फ्रीली एक्सप्रेस करे। वुमेन ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, बस उसको थोड़ा टाइम और सिंपैथी दे। When both are struggling, रिसर्च ये शो करती है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब दोनों पार्टनर डाउन फील करते हैं। यही वो सिचुएशन है जो सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट बना देती है। ये वो वक्त होता है जब दोनों अच्छा फील नहीं कर रहे होते। आदमी को अपनी पार्टनर की इमोशनल नीड को समझना चाहिए और औरत को रॉबर्ट प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। मनी कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो गरीब थे, उनकी वाइफ कंप्लेंट क्या करती थी कि उनके पास इनफ पैसे नहीं है, बट उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि पैसे आने के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। वो कहते हैं कि वो ज्यादा खुश थे जब उनके पास पैसा नहीं था। आदमी को ये समझना चाहिए कि नो मैटर आप अमीर हो या गरीब, पहली चीज जो वाइफ को चाहिए वो होता है इमोशनल सपोर्ट, एक ऐसा आदमी जो उसे सुन सके, उसकी परवाह करे। मनी कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर इमोशनल नीड। आदमी कई बार सोचते हैं कि पैसा किसी भी प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। जब रिलेशनशिप बिगड़ती है तब लोग एग्जैक्ट रीजन नहीं ढूंढ पाते। वो ये सोचते हैं कि उनके पास तो अब काफी पैसा है, फिर भी वो इतनी प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि पैसे का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे लोग गरीब हों पर वो इमोशनली अगर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हों, ये काफी बेहतर है उस सिचुएशन से जिसमें आपके पास बहुत सारा पैसा तो है बट कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। चैप्टर 8, बोथ हैव डिफरेंट इमोशनल नीड्स। आदमी और औरत दोनों को ये नहीं पता कि दूसरे की इमोशनल नीड्स अलग अलग हैं। आदमी वही देता है जो उसे चाहिए और औरत वही देती है जो उसको चाहिए। उनको लगता है कि उनके पार्टनर को भी वही चाहिए जो उनको चाहिए, इसलिए जब एक वुमेन अपसेट होती है तो आदमी उसे अकेला छोड़ देता है क्योंकि वो खुद अकेला रहना चाहता है जब वो परेशान होता है। और इसी तरह जब आदमी परेशान होता है तो औरत उससे बात करती रहती है क्योंकि जब वो परेशान होती है तब उसको कोई बात करने वाला चाहिए होता है। हम सब चीजों को हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं और यही हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। Here are some basic needs for men and women. औरत की जरूरत है कि उसका ख्याल रखा जाए, उसकी केयर की जाए, जबकि आदमी चाहता है कि उसमें भरोसा जताया जाए। औरत चाहती है कि उसको समझा जाए, जबकि आदमी चाहता है कि वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। औरत सम्मान चाहती है, जबकि आदमी चाहता है उसके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए। औरत चाहती है लॉयल्टी, जबकि आदमी तारीफ चाहता है। औरत अपनी बात का समर्थन चाहती है, जबकि आदमी चाहता है कि उससे सेटिस्फाई हुआ जाए। औरत एश्योरेंस चाहती है, जबकि आदमी एनकरेजमेंट चाहता है। चैप्टर 9, हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम एन आर्गुमेंट। किसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है आर्गुमेंट्स। अक्सर दोनों पार्टनर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और एक बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे की मिस्टेक्स गिनवाने में लग जाते हैं और सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि कन्वर्सेशन किसी भी रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। डिबेट करना बहुत नुकसान दे सकता है, इसके बजाय शांत रहकर सोचा जाए कि क्या किया जा सकता है इसको एक अच्छा कन्वर्सेशन बनाने के लिए। कुछ लोग डिबेट में नहीं पड़ते बट वो बात करना बंद कर देते हैं और इससे कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। What happens in a debate? जब हम बहस करते हैं तब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हम भूल जाते हैं कि differences होना बिल्कुल normal है। आप क्या बोल रहे हैं वो आपके partner को hurt नहीं करता, but किस तरह से बोल रहे हैं वो hurt करता है। अच्छी बात ये है कि कोई भी बहस शुरू करने के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, but इसे खत्म करने के लिए एक इंसान ही काफी होता है। How to prevent from damages? ये ऐसा वेपन है जो मेन यूज करते हैं। जब वो किसी बहस में पड़ते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, वो अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं और उस पे चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है वो जीत रहे हैं बट असल में वो हार जाते हैं। रनिंग अवे, ये भी आदमियों के लिए एक टैक्टिक्स है। जब उन्हें लगता है वो हार रहे हैं तो वो अपनी गुफा में चले जाते हैं, मतलब साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, और ये कोल्ड वॉर को जन्म देता है। वो बात करने से मना कर देते हैं और इससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। वेयरिंग अ मास्क, ये ट्रेड वुमेन यूज करती हैं खुद को बहस से होने वाले डैमेज से बचाने के लिए। वो इस तरह बिहेव करती हैं जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ले आती हैं पर अंदर ही अंदर वो दुखी ही रह जाती हैं।
सरेंडर। ये ट्रेड्स भी लेडीज का होता है, वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेती हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत नहीं है। वो ये मान लेते हैं कि उसका पार्टनर उसकी वजह से परेशान है। उसका इस तरह सरेंडर करना उस मोमेंट पे तो सब कुछ ठीक कर देता है, पर लॉन्ग टर्म में ये उसके मेंटल पेन का कारण बनता है। चैप्टर 10, हाउ अ मैन कैन विन अ वुमेन्स हार्ट। आदमी को लगता है अगर वो अपनी पार्टनर के लिए कुछ बड़ा करे, जैसे कोई कार खरीदे या कोई हॉलीडे ट्रिप प्लान करते, तभी वो खुश रह सकती है। उसे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जैसे उसके लिए दरवाजा खोलना, उसे रोजेस देना, इन छोटी चीजों से वो खुश नहीं होगी। बट चीजें ऐसे काम नहीं करती। वुमेन के लिए सब एक जैसा होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो किया है वो काम बड़ा है या छोटा। What a man expects. Woman छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है, बट अगर वो खुशी को शो नहीं करेगी तो आदमी कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी कोशिश कामयाब हो रही है। मुस्कुराकर या थैंक्स बोलकर एक वुमेन किसी आदमी को ये बता सकती है कि वो खुश है, और इससे उसको प्राउड फील होता है। What should a woman never forget? Woman को ये समझना चाहिए कि men naturally बड़े gifts देना पसंद करते हैं। अगर वो आपको छोटे gifts ना भी दें तो बुरा ना माने। हो सकता है वो आपको बड़े gifts देने के लिए efforts कर रहे हैं। Woman अगर encourage करे तो आदमी को छोटे gifts की value समझ आ सकती है। चैप्टर 11, व्हेन यू आर एंग्री राइट अ लव स्टोरी। जब भी आप गुस्सा होते हैं और जब आपके पार्टनर से बात करना इम्पॉसिबल हो, तब आप सिर्फ एक लव लेटर लिखकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। ये एक बच्चों जैसी बात लग सकती है, बट ये काम करती है। ये आप दोनों का मूड रिफ्रेश कर देगी। एक लव लेटर में ये फैक्टर को इंक्लूड करें, गुस्सा, दुख, दर्द, डर, पछतावा और प्रेम। अपने पार्टनर को बताएं कि आप क्यों गुस्सा थे। उन्हें ये भी बताएं कि आप अब दुखी हैं। ये कि आपको डर है कि आप उन्हें खो देंगे, ये उन्हें अच्छा फील कराएगा। उन्हें बताएं कि आपको पछतावा है जो आपने किया है उस पर। और लास्ट में आप उन्हें ये बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। चैप्टर 12, हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको अपने पार्टनर से वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप वो मांग ही नहीं रहे, या फिर आपके मांगने का तरीका गलत है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्प मांगना जरूरी है। वुमेन के लिए मदद मांगना ज्यादा हार्ड होता है। वुमेन अक्सर हेल्प के लिए नहीं बोलती क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हेल्प बिना मांगे ही मिल जानी चाहिए। वो सोचती हैं अगर उनका पार्टनर उनसे प्यार करता है तो वो बिन मांगे ही हेल्प करेगा। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जब तक वो हेल्प के लिए नहीं बोलेगी, तब तक आदमी को ये लगता रहेगा कि आपको उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। सही से हेल्प मांगे, उससे कुछ ऐसा करने को कहें जो वो वैसे भी करता है, जैसे कचरा बाहर फेंकना। जब वो ऐसा कर ले तो उसकी तारीफ करें, ये आपकी शाइनेस को कम करने में काम आएगा। ज्यादा हेल्प के लिए पूछें, और अगर वो मना कर दे तो इस बात को पर्सनली ना लें, ये चीज उसे एनकरेज करेगी। मजबूती से हेल्प मांगे। अब जब आप पहले दो स्टेप्स कर ही चुके हैं तो आप मजबूती से हेल्प के लिए कहें, कुछ देर रुकें। अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर देंगे, अदरवाइज ना सुनने पर लड़ाई ना करें। चैप्टर 13, हाउ टू कीप अलाइव द मैजिक ऑफ लव। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं फिर अचानक से दुखी हो जाते हैं। ये इसलिए कि हमारा पास्ट हमें डराता है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है कि जो हम आज याद करके दुखी हो रहे होते हैं। हम ज्यादातर 90% अपने पास्ट की वजह से दुखी होते हैं और सिर्फ 10% अपने प्रेजेंट की वजह से दुखी रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें लव लेटर लिखना चाहिए या फिर हमारी प्रॉब्लम को कागज पर लिख लेना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। जितना लेट होगा ये उतना ही बुरा होता चला जाएगा। रिलेशनशिप एक गार्डन की तरह होती है, इसको समय समय पर पानी देते रहें। प्यार हमेशा खूबसूरत होता है जब तक कि दोनों पार्टनर में से एक गलती ना कर दे। इस वक्त पर हमें आगे बढ़कर एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई परफेक्ट नहीं होता, और रिश्ते को बचा लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप इस वीडियो के साथ आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीजन पता चले होंगे कि मेन और वुमेन में क्या डिफरेंस होते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से समझते हैं, और हम अपनी रिलेशनशिप को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो बताए गए ईमेल आईडी पर जरूर लिखें। जल्दी मिलेंगे एक बेहतर और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।